Hey, what's up, guys? Welcome to my YouTube channel, Bro in UK. And my name is Vivek Kumar. And thanks a lot for giving me that kind of love towards my video and supporting my channel. Thanks a lot to everyone. बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों सभी को. आप मेरे वीडियोस को थोड़ा प्यार दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है. और मुझसे वीडियोस से कई बंदे हेल्प भी मांग रहे हैं, वहाँ से कईयों को कई चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो बहुत जाने का लाइक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये कैसे है कैसे है. तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लाइक मैं कुछ कर पा रहा हूँ, किसी का तो काम आ रहा है मेरी ये वीडियो. तो अगर मेरी वीडियो से किसी दो चार को भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा तो इट्स ओके, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी. ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता रह रहा हूँ. और आज का जो टॉपिक है, आपको थंबनेल देखकर पता लग ही जाएगा कि मैं क्या आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, वो भी एक्चुअली में क्या है कि मैंने पहले बना देना था, बट थोड़ा सा अभी नया ही आया हूँ यहाँ पे, अभी 15 डेज भी नहीं हुए हैं प्रॉपर, तो थोड़ा सा सेटलमेंट का है वो अभी कर रहे हैं. एग्जैक्टली नहीं हुआ अभी, बट फिर भी मैं आपको इस चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग रियलिटी दिखाऊंगा कि होता क्या है अगर कोई बच्चा बाहर फॉरेन में आता है. ठीक है, तो इस पे बहुत सारे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो एक स्टूडेंट के लिए होगा, लाइक कैसी जगह पे हम अकोमोडेशन ले अपना. ठीक है, हम अपना जो ग्रॉसरी का सामान लेते हैं कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से महंगा मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग. कैसे हम ट्रेन पास बना सकते हैं, कैसे हम बस पास बना सकते हैं. ठीक है, और जो भी एक स्टूडेंट्स को नीड होती है, जो जो चीज़ें मैं करता जाऊँगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा. हाउ टू गेट आर फर्स्ट जॉब इन यूके, जस्ट बहुत जल्दी मैं वो आपको देने जा रहा हूँ, बिकॉज भगवान की कृपा से मुझे भी जॉब मिल गई है. कल से मेरी जॉब स्टार्टिंग है, तो मैं उस पर भी वीडियो दूंगा कि कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सा आपको फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा जॉब करना. ओके, तो भाई लोग, आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया. भाई अपने पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, लाइक अनदर कंट्री श्रीलंका से भी हैं, जो भी नेपाल से भी हैं, जो भी वीडियोस को प्यार देते हैं, आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो आज की जो मेन हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देख लिया है कि अम्बेसी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको मेन. ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा दो तीन टॉपिक एक्स्ट्रा भी कवर कर लेंगे, लाइक जो हमने विदाउट आइल्स अप्लाई किया था वो मैंने वीडियो दे रखा है, उसको आप एक बारी ज़रूर देखें. ठीक है, क्वेश्चन पूछने से पहले आप वहाँ पे एक बारी जाएं, वो मेन डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हो. ठीक है, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि कैसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हो. ठीक है, और उसके अलावा जो है मैंने इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड थर्ड वन जो आज मैं देने जा रहा हूँ वो है एम्बेसी इंटरव्यू एंड अपना एयरपोर्ट का इंटरव्यू जो हमें एयरपोर्ट पे नॉर्मली पूछते हैं. ठीक है, तो ये दो तीन टॉपिक मैं आज कवर करूँगा. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक जो कि है एम्बेसी इंटरव्यू के ऊपर. तो भाई मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं रहा, भगवान की मतलब दुआ रही, लाइक उनके आशीर्वाद रही कि मुझे एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आया. होप सो आप लोग को भी ना आए, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बिकॉज मेरा एक क्लियर था, फंडा क्लियर था कि हाँ ठीक है इंटरव्यू लेगा. ठीक है, इंटरव्यू में क्या लेगा वो तो मैंने ही देना ना उन्हें. ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं है कि ओवर हो जाने का. आप अपनी जगह पे अगर आप सच्चे हो, अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है, साफ है, सच्चाई है उसमें, तो आपको कोई वीज़ा देने से नहीं रोकेगा. ये मैंने अपने केस से सीखा है. ठीक है, बिकॉज मेरा 2 ईयर्स का गैप भी था. ओके, एंड मतलब मैं विदाउट आइल्स भी आया, मैंने कोई आइल्स नहीं दी, तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है मैंने जस्ट मेरा, हाँ एक्यूरेट था. अगर मेरा गैप था तो मैंने फिलअप किया था, मैंने जॉब किया था उस 2 साल में, मेरे पास उसके प्रूफ थे, मैंने उसके डॉक्यूमेंट अटैच किए थे. ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो यही चीज़ें मेन वो क्लैरिफाई करते हैं इंटरव्यू के दौरान. ठीक है, तो मेन जो अपना टॉपिक है वो एम्बेसी इंटरव्यू है.
अगर आपका यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, अगर आपको कैश मिल जाता है, तो कैश के बाद आप वीज़ा फाइल करते हो। वीज़ा जब फाइल करोगे आप, तो उस टाइम पे आपको एम्बेसी इंटरव्यू आने का चांसेस होता है, और वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। ओके, अगर वो आता है तो भी, और नहीं आता है तो भी, भाई घबराने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? टेंशन लेकर इंटरव्यू क्लियर नहीं होएगा। आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा आपके प्रोफाइल के ऊपर, एंड आपको वो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होगी, मैंने वो लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है? मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ, जो मेन चीज़ें आपकी देखते हैं ना, वो वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं फर्स्ट, और उन्हें कोई भी चीज़ अगर डाउट होता है तो वो उसमें जाते हैं कि आप यहाँ पे कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक है? तो ट्राई टू मेक योर ट्रूथ और रियलिटी, रियल प्रोफाइल, ओके? सो जस्ट इस पे डिपेंड करता है, मेन यही पे है, ठीक है? और वो जो मेन आपको क्वेश्चंस करेंगे ना, वो सेम यूनिवर्सिटीज वाले ही क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा मतलब जानना चाहते हैं आपके फंड्स के रिगार्डिंग, और अगर आपका गैप है इन बिटवीन स्टडी के, तो उस स्टडी का गैप के रिगार्डिंग वो आपने उनको बताना होता है। और अब अगर आप उनको अपने प्रॉपर तरीके से बता देते हो, देन दे विल लाइक सेटिस्फाइड एंड दे विल प्रोवाइड यू लाइक वीजा, ओके? यहाँ पे कभी भी भाई घबराना मत, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है जब आपका कोई इंटरव्यू लेता है तब। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी बातों को लेकर, बिकॉज वो आपसे कुछ नई चीज़ें नहीं पूछते, वो आपके प्रोफाइल के बारे में ही आपसे पूछते हैं, जो आप उनको डॉक्यूमेंटेशन दिए होते हो, जो प्रोवाइड किए होते हो इन्फॉर्मेशन, उसी को वो बस अपने तरीके से पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो घबराने का नहीं भाई, जो एम्बेसी इंटरव्यू में मेन होएगा, आप जो पहला मैंने वीडियो दिया है वहाँ से आप देख लेना, वो क्वेश्चंस के जो सारे क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं क्वेश्चन के अलावा आपने थोड़ा सा फंड्स के रिगार्डिंग, जो भी अपना फंड्स दिखाया होगा उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस इजिली पुट करते हैं आपको, ठीक है? वो हो गया, अगर आप वो क्लियर करते हो उनका सारा, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा, और ये मिलता है भाई, ये मेरा मानना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंसल्टेंट आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, कोई भी इंसान, मैं हूँ या अनदर कोई भी बंदा है या बंदी है या कोई भी कंसल्टेंट है, टीचर है, समवन, एनीवन, दे विल ओनली जस्ट गाइड यू, यू हैव टू डू, ओके? अगर आप अपनी काम अपना खुद करोगे भाई, तो आप जरूर सक्सेस होगे, ठीक है? आपको कोई जस्ट गाइड कर सकता है, करना तो आपने ही है ना। अब कोई भी आपको जस्ट बताएगा करना कैसे है, ये बताएगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट होकर ये काम करने का भाई, एकदम चिल मोड में सब होता है, ठीक है? ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, लाइक एम्बेसी इंटरव्यू के नाम पे मतलब बहुत ज़्यादा रोला है। हाँ मानता हूँ है, थोड़ा सा है, डिफिकल्ट तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, ओके? है, लेकिन हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, अगर जब मैं विदाउट आइल्स बंदा, जो कि मैंने कभी तैयारी नहीं की इंग्लिश की, जस्ट नॉर्मल, मेरे को हाँ थोड़ी सी है मतलब थोड़ा मोड़ा पता है इंग्लिश का, तो जस्ट मैं अगर क्लियर कर सकता हूँ चीज़ें, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? तो भाई बिना टेंशन लिए ये काम करना है। दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला था, कि जो एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्टली ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अनदर कंट्री से आ रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो, तो इंडिया के एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल भी कुछ इतना खास नहीं पूछा जाएगा आपको। आपके बारे में वहां पे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ओके, एंड इन विच कोर्स यू गॉट योर एडमिशन, ओके? जस्ट दे वॉन्ट टू नो अबाउट सिंपल 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 थिंग, जो कि हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जब वो कहीं बाहर जा रहा है। अगर आप उसे ये भी नहीं पता कि उसका यूनिवर्सिटी कौन सा है, कौन से कोर्स के लिए जा रहा है, ठीक है, वो कोर्स उसने क्यों उठाया है, ठीक है जी, तो फिर वो बहुत ही अजीब बात होगी ना, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है, और जो हमें प्रिपेयर रखना होगा अपने आप को। इंडिया में जो सिंपल इतना पूछेगा, देन आप प्लेन ले लोगे अपना एंड अराइव करोगे यूके। तो यूके में बहुत तरह की बातें हुई थी जब मैं आ रहा था, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा था कि पता नहीं 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं एम्बेसी क्लियर करने में, ऐसा करके, बट भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ, मेरे टाइम पे नहीं हुआ। आई थिंक सो होता भी होगा, टाइम लगता होगा, और टाइम लगता है तो एम्बेसी इंटरव्यू में नहीं लगता इतना, ठीक है, आपको क्यू में लग जाता है, बिकॉज वहाँ पे पीपल्स बहुत ज़्यादा आए होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आया होता है, जैसे अगर आप सितंबर इनटेक आते हो या जैन इनटेक में, जैसे मैं आया तो थोड़े कम थे, लेकिन जैन इनटेक और सितंबर इनटेक यूके का मेन इनटेक है,
ठीक है। तो रश अगर होगा तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, मेरे को लगता है यही रीजन होगा। अदरवाइज सॉरी, तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मेरी जो एम्बेसी इंटरव्यू हुई थी, विद इन 5 मिनट्स मुझे उसने एंट्रेंस दे दिया था लंदन में, ठीक है। और सिर्फ गिनती से 3 क्वेश्चन पूछा, वेयर यू आर गोइंग, विच इज योर यूनिवर्सिटी नेम, ओके, वट इज योर यूनिवर्सिटी नेम, इन विच क्लास यू आर टेक योर एडमिशन। वो इन सब क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। जस्ट वो पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आपने कौन से लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आप अभी जाकर कहाँ रहोगे, ओके। एंड इसके अलावा जो पूछते हैं, जो आपने कोर्स लिया होता है, आपने कौन सा कोर्स पिक किया है, उस कोर्स के बारे में हो सकता है कि आपको पूछ ले वहाँ पे, ठीक है। और आपके 3 या 4 क्वेश्चंस में वो आपको आइडिया लगा लेते हैं कि यू आर जेन्युइन और फेक, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, व्हेन एवर यू आर गिविंग देम आंसर्स देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके। सो ट्राई टू कॉन्फिडेंट योर सेल्फ एंड कोशिश करो कि मतलब जितना ज़्यादा आंसर करोगे वो सारे आप ऐसे ही करो, लाइक जब आप उनसे बात करो तो ऐसा लगे कि जस्ट आप बिल्कुल नॉर्मल हो, घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चिल मोड में। यार मेरा कोई भी नहीं था भाई, आप लोग मानोगे नहीं, मेरा कोई भी नहीं था यूके में, नो वन इज हेयर हु इज रिलेटेड टू मी, बट स्टिल आई एम हेयर, यू नो हाउ। और आज मैं ये सब वीडियोस क्यों दे रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको ऐसा ना फील हो कि कोई यूके में आपका नहीं है, बहुत यहाँ चुभता है, इस जगह पे लगेगा जब आपको लगेगा कि बाहर कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैं आया इस कंट्री में, मेरे लिए तो सब कुछ नया था, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी कुछ कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर आपके पास थोड़ा सा यहाँ से चलना होगा एंड यू विल डू इट, ओके। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड अप करेंगे, मेरी वीडियोस थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं जो भी बताऊँ आपको ना वो प्रॉपर बताऊँ, ठीक है। तो एम्बेसी इंटरव्यू हो गया आपका, दूसरी चीज़ें लाइक एयरपोर्ट पे कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं पूछेंगे, जस्ट वेरी सिंपल, ओके। डीपली उस केस में जाएंगे जहाँ पे उनको डाउट होएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जब डीपली जाएंगे भी ना भाई, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंट होकर उनको जो पूछेंगे, जस्ट यू हैव टू गिव देम आंसर्स, ओके। जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओनली द की ऑफ योर सक्सेस, ओके। जस्ट ये चीज़ चाहिए आपको और आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप लोग सब कर लोगे, बस भरोसा रखना खुद पे भाई, किसी पे नहीं, खुद पे भरोसा रखना, यू कैन डू इट, ओके। सो शुक्रिया अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हाँ एक चीज़ है यार, वीडियोज़ पे व्यूज़ तो आते हैं बट मतलब आई डोंट नो वाई सब्सक्रिप्शन कम हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों सब्सक्राइब कम हो रहा है, बट ये है कि सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे, ओके। वो सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा पूसा तो लगता नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट अगर आप करते हो तो जिसको इंटरेस्ट है वो आप जरूर करो सब्सक्राइब वीडियो को, ठीक है, सच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर, एंड लाइक एंड शेयर आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, इट्स ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स, ओके। थैंक्स अलॉट, लव यू इंडिया, बाय बाय।